अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर आपको ये बात नहीं पता है कि एक्चुअली यूपीएससी क्या डिमांड करता है एक एस्पिरेंट से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा एंड आपका शायद एग्ज़ाम ना निकले। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक्चुअली डिमांड क्या करता है एक एस्पिरेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नहीं पता है कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड आप जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, लाइक एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था या फिर कौन सा अवार्ड किसको मिल रहा है, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो एंड प्रीलिम्स जो है ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। उसी तरीके से अगर आप बस लक्ष्मीकांत बुक पे फोकस कर रहे हो एंड आपको नहीं पता है कि पॉलिटी में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आप यूपीएससी मेंस के भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो है यूपीएससी का डिमांड जरूर पता हो। देखिए, आपको पता होगा कि यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस आईपीएस बनोगे एंड आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम करोगे, आप नॉर्मली अपने आप देखो, अपने आप आसपास देखो कि लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता होती है, लेकिन वो दो चीजें लैक करते हैं। नंबर 1, कि वो किसी भी प्रॉब्लम को बस एक ही एंगल से देखते हैं। आपको एज एन एस्पिरेंट यूपीएससी ऐसा एक्सपेक्ट करता है, आपको मेंस में वो क्वेश्चन भी पूछेगा एंड अगर आप बस एक ही एंगल से किसी भी प्रॉब्लम को लिख रहे हो तो भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए जो है आपको जो है हर एक एंगल से प्रॉब्लम को देखना है, ओके? एंड यही चीज़ जो है आपके आंसर में भी मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप बस एक साइड से किसी भी चीज़ को नहीं लिख सकते हो, आपको हर एक साइड कवर करना है। नंबर 2, जो कि कॉमन पीपल लैक करते हैं, वो है सल्यूशन। प्रॉब्लम देखिए हर किसी को पता होता है, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक ग्राउंड रूट लेवल पे काम करोगे, इसलिए यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको सल्यूशन भी पता होता, कि आप जो है वहाँ पे जब भी प्रॉब्लम आए तो आप सल्यूशन दे सको। इसलिए जब आप मेंस का आंसर राइटिंग लिख करते हो या फिर आप जब भी यूपीएससी मेंस का आंसर लिखोगे, तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉब्लम के साथ साथ सल्यूशन को भी लिखो। अगर आप अपने आंसर में सल्यूशन को नहीं लिख रहे हो तो भी आपको कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए यूपीएससी का डिमांड एज एन एस्पिरेंट ये होता है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। आप अगर फैक्ट्स को पढ़ रहे हो कि कब कौन सा वॉर हुआ था या फिर कौन सा अवार्ड किसको मिल रहा है, तो ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके काम का नहीं है। आपको जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम पता होना चाहिए। इसलिए यूपीएससी आजकल इन्वायरमेंट पार्ट पे, साइंस एंड टेक पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अगर वो जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें भी यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स पूछता है, ना कि फैक्ट पूछता है। इसलिए आपको जो है कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि फैक्ट्स को एकदम अच्छी तरीके से रट्टाफाई करना है। नंबर 2, मेंस में जो है यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है बस एक कोई एक बुक पढ़ के आंसर ना लिखो, आपको जो है रियल लाइफ से जो प्रॉब्लम है ना वो हर एक एंगल से कवर करने हैं, चाहे वो सिक्योरिटी वाला पार्ट हो, चाहे वो पॉलिटी वाला पार्ट हो, चाहे वो जियोग्राफी कोई डिजास्टर वाला पार्ट हो। आपको हर एक एंगल से प्रॉब्लम को कवर करने के साथ अगर आप सोल्यूशन नहीं लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए यूपीएससी का डिमांड है कि आपको सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का जरूर पता होना चाहिए, ओके? आई होप कि मैंने मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया है कि यूपीएससी का डिमांड क्या है। नंबर 1, आपको रोट लर्निंग, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। नंबर 2, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।